What is up guys and welcome back to another video of the Alpha Trader. ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ how did I shift and मैंने क्यों shift किया because I used to trade in the Indian markets. वैसे तो I don't know how the sound will turn out because I am making this video without my mic because it's back in Dubai and I think the old ones, the people who have been following me since a long time remember this room. Of course, because यहाँ से ही the entire thing started, right? But anyways, so coming back to the point कि मैंने forex markets में क्यों shift किया from Indian markets, क्या क्या reasons थे, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, so that अगर कोई मेरी ऐसा प्लान कर रहा है दुबई मूव करने का या अब्रॉड मूव करने का या फॉरेक्स में शिफ्ट करने का, तो मे बी यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि मैंने क्यों किया था, क्या फायदे हैं एंड क्या बेसिकली रीजंस थे मेरे शिफ्ट करने के. सो सबसे पहले तो फॉर द पीपल हु डोंट नो मी, I have been trading since the last 5 years. पिछले 5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड करीब 1.5 साल पहले आई मूव टू दुबई एंड शिफ्टेड कम्प्लीटली टू फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट्स. मेरा जर्नी जो था वो इंडियन मार्केट्स में शुरू हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर. एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पुराने वीडियोज देखोगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड वीडियोज जहां पर मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करता था एंड देन कम्प्लीटली आई शिफ्टेड टू फॉरेक्स एंड नाउ आई रन माई ओन हेज फंड इन दुबई एंड आई एम वर्किंग ऑन अदर कपल ऑफ बिजनेसेस बैक ओवर देयर. तो बेसिकली वन ऑफ द मेजर रीजंस मैंने शिफ्ट किया था इज बिकॉज इंडियन मार्केट, जहाँ तक अभी आप अभी फिलहाल जो हालत है इंडियन मार्केट्स की, आई थिंक एसटीटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, देन मार्केट टाइमिंग्स विल आल्सो इंक्रीज एंड देन लेवरेज भी बैन हो गया था. पहले आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज मूविंग, तब लेवरेज भी बैन हो गया था, फिर क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्सेस भी आ गए थे. एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, जहां तक मेरा रियलाइजेशन था, आई अंडरस्टूड दैट कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर हियर बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस एंड द टाइप ऑफ यू नो rules that are ruled out. And actually, मतलब this is just my opinion, but I feel that the government just makes it more and more difficult for people to make money over here in India. And बहुत मुश्किल हो जाता है एक normal आम इंसान के लिए पैसे कमाना यहाँ पे. And I saw a recent tweet by Zerodha's founder, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर एक normal इंसान को break even भी जाना है आप Nifty में, तो उसको 30 points capture करने पड़ेंगे. And ये सारी चीजें जब होना start हुई थी, and I don't know how many people are observing this, कितने लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, but जब ये शुरू होना चालू हुआ था 1.5 साल पहले करीब, ये शुरू होना स्टार्ट हुआ था ये सारी चीजें, एंड तभी मुझे रियलाइज हुआ था कि यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि अगर लंबा सर्वाइव करना है, बड़ी गेम खेलनी है तो मुश्किल है. मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं खेल सकते, ऑब्वियसली बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स भी है जो अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, बट मेरा सिंपल था फिलोसफी कि जहां पे सर्कमस्टेंसेज भी मुश्किल है तो खुद को उस चीज से गो थ्रू क्यों करना है जब आपके पास एक बेटर ऑप्शन है. सो स्लोली स्लोली मैंने फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया एंड देन वहां पे ट्रेड करने के बहुत सारे फायदे मुझे ये पता चले. एंड इंडियन मार्केट्स लीव करने का वन ऑफ द बिग रीजंस ये था कि, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं रिलेट कर पाएंगे, कि जब भी आप ट्रेड लेते थे या फिर ट्रेड एक दिन पहले प्लान करते हो या फिर मार्केट की ट्रेडिंग प्लान बनाते हो, अगले दिन ड्यू टू गैप अप और गैप डाउन पूरा ट्रेडिंग प्लान जो है हिल जाता था एंड देन समटाइम्स मूव ही नहीं आता था, समटाइम्स मार्केट साइडवेज हो जाती थी. एंड देन ऑल्सो इंडियन मार्केट्स में लिमिटेड ट्रेडिंग आवर्स है, अब तो वो एक्सटेंड हो रहा है बट ऑब्वियसली व्हेन आई यूज्ड टू डू तब लिमिटेड आवर्स थे, अभी भी लिमिटेड आवर्स ही है बट आगे इंक्रीज होने वाले ऑब्वियसली, बट लिमिटेड आवर्स होते हैं. एंड देन उसके बाद लेवरेज हट गया था, लेवरेज नहीं था, फिर उसके बाद लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है कि अभी एज फार एज माई जर्नी वॉज इंडियन मार्केट्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि 9 से लेकर 11 बजे तक लिक्विडिटी होती थी, फिर 11 से लेकर 1 तक साइडवेज, फिर 1 से लेकर 3 तक पोस्ट लंच मूव आता था. सो बहुत डिफिकल्ट हो गया था ट्रेड्स लेना. एंड एक्चुअली इसकी इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हाउ टू ग्रो 10 times फास्टर, अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट. बट फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होने के बहुत सारे फायदे ये हुए हैं कि एक तो टाइमिंग का कोई टेंशन नहीं है बिकॉज द मार्केट्स आर ओपन 24 आवर्स, वैसे उसमें भी सेशंस होते हैं, आई ऑब्वियसली डोंट ट्रेड 24 आवर्स, बट उसका एक बहुत बड़ा फायदा है. देन उसके बाद लेवरेज इज अप टू यू, कैन गेट अनलिमिटेड लेवरेज ऑल्सो विद सम ब्रोकर्स. बाय द वे, इफ यू वांट टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट्स सेफली विद अ गुड ब्रोकर, द लिंक इज इन द बायो, यू वॉन्ट बी फेसिंग मच प्रॉब्लम, यू वॉन्ट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम फॉर दैट मैटर इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड सेफली. एंड आई पर्सनली यूज दैट बाय द वे बैक इन दुबई. बट एनी वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, फॉरेक्स मार्केट में फॉर सम ब्रोकर्स यू गेट अनलिमिटेड leverage as well, you get a lot of support as well. फिर उसके बाद द फॉरेक्स मार्केट, अगर आप फॉरेक्स मार्केट को देखो तो सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन ही बहुत अच्छे से फॉलो हो जाता है, लाइक कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में आई बिलीव बिकॉज ऑफ यू नो मार्केट मेकिंग और मैनिपुलेशन, उसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है कि उसको मैनिपुलेट करना इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू. सो मार्केट में प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट होता है. एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फॉरेक्स मार्केट्स में आया, देन आई केम अक्रॉस XAU USD, विच इज गोल्ड, राइट. अब गोल्ड के ऊपर जब मैंने स्टार्ट किया तो आई थिंक पिछले लास्ट 1 साल से, अभी मुझे जून में आई थिंक 1 साल हो जाएगा, बट जून 2022 से
मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं आज अभी तक आई थिंक एक भी और इंस्ट्रूमेंट में अभी तक मैंने ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज गोल्ड जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, जिसको वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं 100% समझ पाता हूँ एंड उसके ऊपर मेरी एक अच्छी ग्रिप है बेसिकली। एंड माय कम्युनिटी मेंबर्स नो दिस दैट आई हैव बीन ट्रेडिंग गोल्ड सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सिंस ऑलमोस्ट 1 year नाउ, एंड इट हैज बीन अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ओवर एंड ऑल द एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि शिफ्ट कैसे करना है एंड अगर प्लान करना है मूव करने का तो क्या क्या बेसिकली थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आई थिंक शिफ्ट करना इज नॉट अ वेरी बिग डील, बिकॉज मोर और लेस आप कोई भी मार्केट उठा लो वहां पे आपको प्राइस एक्शन तो सेम ही मिलने वाला, राइट? मोर और लेस सेम मिलेगा, बट आपका आपके पास एक साइड बाय साइड कंपेरिजन होना चाहिए कि ठीक है अगर इंडियन मार्केट से मुझे फोरेक्स में जाना है तो साइड बाय साइड क्या कंपेरिजन है, लाइक फोरेक्स मार्केट्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडियन मार्केट्स में मैं ऑलरेडी अप्लाई नहीं कर रहा था। बिकॉज आप अगर ऑलरेडी एक ट्रेडर हो तो आई एम श्योर आप ऑलरेडी इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, राइट? आप फोरेक्स में जाना है तो फोरेक्स इज अ डिफरेंट मार्केट, सो आपको खाली ये देखना है कि फोरेक्स में ऐसा क्या अलग है जो इंडियन में नहीं था, और सिर्फ वही चीजों के ऊपर आपको ब्रश अप करना है सो दैट आप फोरेक्स मार्केट में स्मूथली ट्रेड कर सको। अगर आप एक डिसेंट अगर आपको एक 2-3 साल के ऊपर हो गए ट्रेडिंग करके तो इतना बड़ा डील नहीं है शिफ्ट करना। बट वन ऑफ द मोर रीजंस फॉर मी टू शिफ्ट टू कंप्लीटली टू फोरेक्स वाज आल्सो टैक्सेस। वैसे फोरेक्स से इसका कोई लेना देना नहीं, इससे एक्चुअली दुबई का लेना देना है बिकॉज वहां पे देयर आर नो टैक्सेस एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस एज वेल। फिर उसके बाद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू गेट ओवर देयर इन दुबई इज जस्ट अनबिलीवेबल, एंड वहां जाके मेरा गेम कंप्लीटली चेंज हो चुका है एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो वॉन्ट टू मूव ओवर देयर। एंड कभी इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड गेम प्लान बनाऊंगा, डिटेल्ड रोड मैप बनाऊंगा कि कैसे करना है कैसे कैसे नहीं करना है, बट बेसिकली दीज आर माई फ्यू रीजंस टू कंप्लीटली शिफ्ट टू फोरेक्स। नाउ सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट फोरेक्स, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल मी कि फोरेक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, हमें फोरेक्स पे गाइड करो, गोल्ड पे गाइड करो, बट जस्ट टू लेट यू नो उसके ऊपर भी कुछ आ रहा है बहुत जल्द एंड आई विल बी हेल्पिंग यू गाइज ट्रेड लाइव विथ मी एंड फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। So yes, that's coming very very soon and I'm going to announce it very very soon. So just stay tuned and a lot more content on forex and gold will start on coming. So jo bhi topics aap chahte ho ki main cover karu forex aur gold ke upar, please let me know in the comment section and I will start using that, start making content on that. But basically this is pretty much the big I think differences jo main mujhe samajh mein aaya forex market aur indian markets mein. Waise to I have no grudge or disrespect for the Indian market because that's exactly how I started, that's where I came from, I will never forget that. And I think this was just a very short sort of video, unscripted completely video. Maine bas phone rakh ke start kiya recording karna because I feel this is a topic that a lot of people want me to address. So I think that's going to be it for this video guys. I will see you definitely in the next one. Thank you so much for watching and make sure to comment down below whatever you want me to cover in the next video. Thank you so much.